अरे यार सैनिटाइज नहीं हुआ है, इसको करवा दो प्लीज उनको बोल के। हाँ चाय भर देना। गुड मॉर्निंग बेटा। किसी को भेज दो या नंबर बोल दो, है ना। ओके चलिए जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? ओके चलिए लास्ट टर्न का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम राजा बेटा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न के रिवीजन में राजा बेटा फटाफट फटाफट थोड़ी थोड़ी काम काम की बात पढ़ लेते हैं, ताकि अपने को सारी बातें बहुत अच्छे से याद रहे। आज का लेक्चर बहुत सिंपल होगा, बहुत आसान होगा, बस आपको मन से लगे रहना है, आपको सारी चीजें एकदम लॉजिकली फील आ जाएंगी। मैं 5 मिनट लास्ट लेक्चर की बातें कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर की अगर हम चर्चा करें तो इफ यू रिमेम्बर, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट लेक्चर की राजा बेटा हम बात करें, एक तो आप सब, एक मिनट आवाज नहीं आ रही है बच्चों, आवाज सबको आ रही है? ओके 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 चलिए, स्क्रीन भी दिख रही है ना सबको, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, ठीक है ओके। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टर्न पे हमने चर्चा करा था, आपको मेरे साथ रिवीजन करना होगा। आइए मैं आपसे पूछूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक की बात हमें याद होनी चाहिए। नियर पॉइंट पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद होनी चाहिए, KQX/R³ अगर आपको याद हो तो। यदि हम फार पॉइंट की बात करेंगे, बहुत दूर चल जाएंगे, तो रिंग विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/X² इसी को के लिए KQ/X² या KQ/R², जहां जाकर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। खैर उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद हो रिंग का, तो आपको याद होगा प्लस माइनस a/√2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है राजा बेटा, वो मैक्सिमम होती है रिंग की, सेंटर पर जीरो होती है। इस पे हमने चर्चा करी थी बेटा, रिंग के बाद हमने रिंग के सवाल किए थे, सवाल करने के बाद रिंग पे ही बेटा ध्यान से सुनिएगा, रिंग पे ही फिर हमने आर्क की चर्चा करी थी लास्ट टर्न पे। इफ यू रिमेम्बर आर्क की अगर हम बात करें, तो आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद कीजिए, जल्दी बोलिए, 2K λ/R sin α/2। वापस बोलिए, 2K λ/R sin α/2। राजा बेटा यहाँ पर अल्फा जो है, दैट इज द, इट इज द एंगल मेड बाय द, ध्यान से सुनिएगा, एंगल मेड बाय द कौन, आर्क एट द सेंटर। बहुत बढ़िया, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। चलिए भाई अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपको याद होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा सेंटर के अलोंग होगी। क्या आपको याद है एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी, कुछ याद है एंगल बाइसेक्टर के अलोंग? उसमें हमने राजा बेटा लास्ट टर्न पे सवाल भी किए थे। फिर बेटा हमने, अगर आपको याद हो तो, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना सीखा था। ग्राफ इतना हलवा था, बस हमें वो बात याद होनी चाहिए कि ग्राफ में होता क्या था। तो भैया ग्राफ में कुछ नहीं, अगर हम पॉजिटिव लें तो पहली बात तो E is equal to KQ/R² या KQ/X², हाँ सर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ E is inversely proportional to X², हाँ सर बोल सकता हूँ, E is inversely proportional to X², जब मैं बोल सकता हूँ, तो भाई साहब अब आपको बताना है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स पे जाऊं, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, तो पॉजिटिव के लिए 1 और 3 एंड नेगेटिव के लिए 2 और 4। बहुत बढ़िया बेटा, तो यहां तक ही राजा बेटा हमने बात कर ली थी। क्या आप सभी को ये सारी बातें बहुत अच्छे से याद हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, काम की बात आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक्चुअली एक ऐसे सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं जहां पर आपने कुछ कुछ तो पढ़ रखा होगा, पर मतलब बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो ध्यान से सुनिए। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या है भाई, ये क्या नई बीमारी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको फील कीजिए बेटा। क्या हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? बिल्कुल होती है। अब जब हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी दिखती है, उसका पैटर्न कैसा होता है, उस पैटर्न को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। किसे कहा जाता है राजा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको मैं एक और नाम से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पहला नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दे या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या होती है भाई साहब ये, दीज आर राजा बेटा इमेजिनरी कर्व। कौन से कर्व राजा बेटा? इमेजिनरी कर्व। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखो अपन पिछली वाली स्लाइड पे थे, अब अपन इस स्लाइड पे आ गए, आगे वाली स्लाइड नहीं है, पहले वाली स्लाइड, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। तो राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, नाम तो सुनिएगा, दीज आर 3D कंटिन्यूअस इमेजिनरी कर्व्स। क्या है भाई साहब ये? 3D कंटिन्यूअस इमेजिनरी कर्व्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टी शायद आपने क्लास 10th में पढ़ी हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में, अगर आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कुछ प्रॉपर्टी आपको अभी फटाक से याद आ जाएंगी कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी। तो भैया क्या है ये? दीज आर 3D। 3D का मतलब एक एक शब्द को समझे, ये एक्स में नहीं होंगी, ये वाई में नहीं होंगी, ये एक्स वाई जेड तीनों में होंगी। कॉन्टिन्यूअस, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहती है, बीच में से कोई कट नहीं आता। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब हमें ये दिखती नहीं है, बस हमें इनको इमेजिन करना पड़ता है कि ऐसा होता है। कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ELF, सुनिएगा पहली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है कि यदि मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं राजा बेटा, तो वो टेंजेंट आपको क्या देगा? वो टेंजेंट आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अभी तक हम बोलते थे क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, हां जी उससे दूर, अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो यहां होगी, इस पॉइंट पे बात करूं तो यहां होगी, इस पॉइंट पे बात करूं तो यहां होगी। बहुत बढ़िया। माइनस क्यू की बात करूं तो इस पॉइंट पे बात करूं तो इधर होगी, इस पॉइंट पे बात करूं तो इधर होगी, इस पॉइंट पे बात करूं तो इधर होगी, और इस पॉइंट पे बात करूं तो इधर होगी। बिल्कुल वैसे ही राजा बेटा, वैसे ही। ये तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताई, पर यदि आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न, कहीं शेप कुछ आपको ऐसा दे रखा है, तो एक प्रॉपर्टी है कि यदि आप उस जगह पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे राजा बेटा? टेंजेंट। तो दैट टेंजेंट विल गिव्स यू व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी, तो सर कुछ भी मत करो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो देखो क्या ये टेंजेंट भी इसी दिशा में आ रहा है? तो बहुत सिंपल, जब टेंजेंट भी इसी दिशा में आ रहा है, मतलब हिंदी में समझे, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखी, अगर आपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट जो है राजा बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। बहुत बढ़िया बात है। अब पता है कुछ अच्छी बातें, जैसे जब हम IIT में पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पे दो तीन बातें की जाती है, मैं उस बात को बोल देना चाहता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, सुनिएगा अपना दिमाग एकदम मेरे साथ सामने लगा लीजिए, जम के पढ़ते हैं। पूछा है, क्या पूछा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर आपने पहला शब्द दे दिया, तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? दीज आर वन एंड द सेम थिंग। इंपॉर्टेंट क्या है? वाई हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोला? क्योंकि राजा बेटा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, क्या ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दे रहा है? हाँ सर बिल्कुल दे रहा है। और इफ यू रिमेम्बर मेरे लाल, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन टू ई वेक्टर। हाँ ना बोल यार, होता है या नहीं होता है? अरे होता है या नहीं होता है? मतलब अगर मैं इस P पॉइंट पर अगर कोई Q चार्ज रख दूं, सुनिएगा इधर, अगर मैं इस P पॉइंट पे कोई Q चार्ज रख दूं, तो मुझे बताइए इस Q चार्ज पर भी क्या फोर्स इधर ही लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियसली सर लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल्सो गिव्स व्हाट? ऑल्सो गिव्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। क्या बात है! इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। क्या आपको बात क्लियर है राजा बेटा? बिल्कुल जम के आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ ना बोल भाई, क्या क्लियर बात है? बहुत बढ़िया बेटा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को फोर्स शब्द क्यों आ रहा है पीछे? बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज। नेगेटिव होता तो वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आया था, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है बेटा।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ एक आपकी जनरल नॉलेज क्लियर कर रहा था कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बिकॉज दे कैन गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज एज वेल। जहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएलएफ। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, आइए क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी 3D स्पेस में जाने वाली किसी चार्ज की फील्ड लाइंस होती है। यदि आप उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो जो टेंजेंट होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। थोड़ी और आगे बातें करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये 10वीं क्लास की रट्टू प्रॉपर्टी, देखिए आप पढ़िए। पहली प्रॉपर्टी, ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 10th में, नो टू ईएलएफ कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वहां था नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भैया, क्यों नहीं कर सकती? उसका कारण आप सबको पता है। क्या कारण है भाई? कि यदि वही बात, पुरानी बात, इफ दे डू सो तो वहां पर आपको दो टेंजेंट्स मिलेंगे और एक पॉइंट पर दो टेंजेंट, मतलब एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पर एक पॉइंट पर तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं बेटा, समझिएगा। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं बहुत सिंपली बात बोल रहा हूँ, बस आपको फोकस करना है मेरी तरफ और मेरी बातों पर, और दुनिया गई भाड़ में, बस आपको मेरी बातें सुननी है। मैं कह रहा हूं किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी ना, कोई भी डायरेक्शन हो वो, पर एक ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, कोई 10-20 थोड़ी होंगी। तो अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई, क्यों बेटा? इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द सेम पॉइंट। कभी काटेंगे नहीं बेटा एक दूसरे को, representing two direction at the same point, which is not possible. किसी एक point पर राजा बेटा दो direction electric field की possible थोड़ी होगी। Electric field एक ही होगी तो net direction भी एक ही होगी। बहुत बढ़िया बात, क्या यहाँ तक बात clear है? Simple property, class 10th की property, ये हमें याद होनी चाहिए। इसमें हम ज्यादा कोई विशेष जोर देने वाले नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। Properties of ELF में दूसरी प्रॉपर्टी राजा बेटा क्या है, क्या है? Electric field lines appears to originate from positive point charge and terminate at negative point charge or at infinity. मैं class 10th की property बता रहा हूं। Magnetic field lines originate from north pole of the magnet, goes to south pole of the magnet. याद है या नहीं याद है? बहुत बढ़िया। वैसे ही राजा बेटा किसी 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 अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो राजा बेटा ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर होती है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये दूर होती हुई दिख रही है। क्योंकि दूर होती हुई दिख रही है तो उसका दूसरा समझने का तात्पर्य यह है, कि भैया ऐसा लग रहा है कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अच्छा भाई ठीक है। अब जब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेशन है, मतलब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात, मैं सब बता रहा हूं बस सुनते जाइए। चार्ज जहां, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां, पहली बात, चार्ज जहां, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां, क्या ये बात हमें याद रहेगी? बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज जहां, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती हुई दिखेगी। बहुत बढ़िया, मतलब मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है। ये कोई प्रूफ वाली बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात है, जिसको हम आपके सामने प्रॉपर्टीज के फॉर्म में ला रहे हैं। जैसे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे, वो स्टैंडर्ड है। वैसे ही बेटा ये भी आपको स्टैंडर्डली याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, मतलब दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब ये जाएगी कहां, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भैया दे कैन टर्मिनेट एट नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अगर रस्ते में नेगेटिव पॉइंट चार्ज दिख गया तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज में टर्मिनेट हो जाएंगी, या कोई नहीं है तो दे विल टर्मिनेट एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ह्यूज लार्ज डिस्टेंस। मैं ना आपको इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं, बहुत सिंपल सा, पेन कॉपी छोड़ के मेरे एक सिंपल से उदाहरण को समझो, आपको फील आ जाएगी। घना अंधेरा है गांव में, घना अंधेरा है गांव में, और आपको पढ़ाई करनी है गांव में, सिर्फ और सिर्फ एक लैंप पोस्ट जली हुई है,
सिर्फ एक लैंप पोस्ट जली हुई है, लैंप पोस्ट आप समझते हैं, एक लाइट जो सर पर बाहर रोड पर लगी हुई होती है, सिर्फ एक लैंप पोस्ट जली हुई होती है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, आप यहां बैठकर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि यहां बैठकर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि यहां बैठकर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि यहां बैठकर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि यहां बैठकर पढ़ेंगे कि ज्यादा अच्छे से दिखेगा, या सबसे दूर दूसरे गांव में चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। बताओ, पूरा अंधेरा है, बस एक लैंप पोस्ट है, बस एक लैंप पोस्ट। बिल्कुल पास, वेरी गुड, क्या बात है बेटा। ये जो लैंप पोस्ट से निकलने वाली किरणें है ना, ये किरणें क्या है, ये किरणें क्या है राजा बेटा, ये किरणें है, एग्जाम्पल दे रहा था हमें, दीज आर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होती है। क्या होती है राजा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और राजा बेटा इन्फिनिटी पर तो ये कंप्लीटली जीरो हो जाती है, कंप्लीटली जीरो हो जाती है। क्या राजा बेटा आपको फील आई है? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, आपने ये पैटर्न कैसा आया, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पैटर्न इस पॉजिटिव चार्ज का, ये पैटर्न कैसा आया? तो मैं खुद आपको फील करा देना चाहता हूं कि सोचो इस बल्ब से कैसे रोशनी निकल रही होगी। क्या आपको फील आ रही है इस बल्ब से ऐसे ही रोशनी निकल रही होगी? फील आ रही या नहीं आ रही? निकल रही होगी, नहीं निकल रही होगी? ऑल डायरेक्शंस, हाँ, और बाहर की तरफ निकल रही होगी, हाँ। वैसे ही जैसे एक पॉइंट साइज्ड बल्ब से रोशनी निकलती है अंधेरे में, वैसे ही राजा बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, क्योंकि बेटा ये इमेजिनरी है, तो मैं आपको फील ही करा पाऊंगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि हमेशा वो टूवर्ड्स द चार्ज होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऐसा होगा। पक्की बात है मेरे प्यारे लाल? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखनी। एक और इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ कोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या बात है बेटा, पॉजिटिव चार्ज में कभी भी टर्मिनेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती निकलती उस पर आती नहीं है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी या टर्मिनेट हो जाएंगी नेगेटिव पर या इंफिनिटी पर। स्टैंडर्ड बात है, याद कर लीजिए। अगली बात ध्यान से सुनिए, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा। यार एक बात बताओ, लैंप पोस्ट पर आप 50 वाट का बल्ब लगाओ, 100 वाट का बल्ब लगाओ, 200 वाट का बल्ब लगाओ, कौन सी ज्यादा चमक देगा? सिंपल, तो यही तो बात ये बोल रही है, चमक मतलब उतनी ज्यादा किरण है, उतना ज्यादा इंटेंसिटी। तो वैसे ही तो यहां पर बात हो रही है, वैसे ही तो यहां पर बात हो रही है कि भैया जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आप देख पा रहे हैं एक चार्ज Q1 एग्जाम्पल के तौर पर है और एक Q2 एग्जाम्पल के तौर पर है। मुझे बताइए सबसे पहले कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कम ऑन, ये आपको डायग्राम दे रखा है, आप पहले मुझे बताइए कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कम ऑन। Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया साहब। अब आप मुझे बताइए दूसरी बात, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन Q2 या ग्रेटर देन Q2, कम ऑन यार, इतना आना चाहिए। बहुत हल्वी बात कर रहा हूं मैं, बहुत हल्वी, ऑब्वियस ही बात है सर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी निकल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है? हाँ सर। और इससे कितनी आ रही है इस पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत बढ़िया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ रही है और 9 निकल रही है। तो मुझे बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2,
क्या यहां तक बात क्लियर है? हां जी, क्या Q1 पॉजिटिव है? क्या Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है? हां जी, क्या आपको ये दोनों ऑप्शंस एकदम क्लियर हो गए हैं? एकदम क्लियर हो गए हैं? अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, शायद क्योंकि एम्स ने पूछी भी है ये बात, तो मैं उस बात को क्लियर कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका एक फॉर्मूला बना रहा हूं। फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ ईएलएफ वन अपॉन नंबर ऑफ ईएलएफ टू इज इक्वल टू क्यू वन बाय क्यू टू। क्या बात है, ये लीजिए एक फॉर्मूला आपके सामने रेडी हो चुका है जी। ये बिल्कुल आपके सामने फॉर्मूला रेडी हो चुका है। कोई आपसे यहां पूछ लेता थर्ड क्वेश्चन बना के पूछता, बताओ रे Q1 by Q2 के मैग्नीट्यूड्स का रेशो क्या है, Q1 by Q2 के मैग्नीट्यूड्स का रेशो क्या है? तो बहुत बहुत सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Q1 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 9 है और इसमें आने वाली 7 है, तो भाई साहब Q1 by Q2 is 9/7। मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड 9/7 ज्यादा है किससे? Q2 के मैग्नीट्यूड से। इतनी फील आई नहीं आई मेरे लाल? It's quite simple to understand। हाँ ना, बोल भाई। Very good। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। काम काम की बातें हमें याद होनी चाहिए, तो ये बात भी हमने पढ़ ली है साहब, 9/7। तो ये ध्यान रखिएगा नंबर। ये मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मैं कुछ बातें बोल देता हूँ। ये आपको जैसे एम्स में आया हुआ था ये सवाल, 2003 के आसपास सवाल था, 2003 या 4 का सवाल था, तो मैंने कहा एक बार लिख देते हैं। नंबर ऑफ ईएलएफ 1 बाय नंबर ऑफ ईएलएफ 2 इज इक्वल टू क्यू 1 बाय क्यू 2। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 4, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4। बेटा जो भी आपका डाउट है प्रिंस, पहले क्लास को अच्छे से सुन लो, फिर मुझको अच्छे से कॉल करके पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं। पहले बेटा आप अगर लिखते ही रहोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बी अ गुड लिसनर गाइज, कम ऑन, लेट्स डू इट। ध्यान से सुनिए अगली प्रॉपर्टी, लाइन डेंसिटी और कॉम्पैक्टनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब काम की बात सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी चल रही है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी चल रही है, जितनी ज्यादा पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखेंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जितनी दूर आपको दिखेंगी, मतलब दूर दूर जितनी आपको दिखेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम होगी। सर फील नहीं आया, ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिए मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर, ऐसा कुछ पैटर्न है, मुझे नहीं पता कहां से आया, ऐसा कुछ पैटर्न है, बस है। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, बिल्कुल फील कर रहे हैं अपन एकदम जम के, एक पॉइंट, येलो कलर दिखेगा नहीं, एक पॉइंट मैंने नाम लिखा बेटा ए और एक पॉइंट मैंने नाम लिखा बी। अब आप मुझे बताइए ए पॉइंट पर फील्ड ज्यादा कि बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ज्यादा कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी? यार सिंपल सी बात है ना, लैंप पोस्ट के पास रहोगे तो उजाला ज्यादा आएगा, लैंप पोस्ट से दूर जाओगे तो उजाला कम होगा, होगा या नहीं होगा, बस यही फील हमें करना है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, वेरी गुड मेरे लाल। जितनी ज्यादा जहां कॉम्पैक्टनेस होगी उतना ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। मतलब सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां पर 1 मीटर स्क्वायर का सर्कल बनाऊं और यहां पर भी सेम 1 मीटर स्क्वायर का सर्कल बनाऊं, तो सोचो इस 1 मीटर स्क्वायर में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं और इस 1 मीटर स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं। इसका मतलब और क्लियर हो गया कि भाई साहब ए की फील्ड जो है वो बी से ज्यादा है। अच्छा दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, ऐसा क्यों सर? और सुनो यार, आप जानते हो क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है स्मॉल के क्यू बाय आर स्क्वायर, होता है या नहीं होता है? होता है सर। अब आप मुझे बताओ, अगर चार्ज से दूर जाते जाओगे तो फील्ड कम होती जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल सर, कम होती जाएगी। अब अगर फील्ड कम होती जाएगी तो उसको मैं दिखाऊंगा कैसे कि फील्ड कम होती जा रही है? दिखाऊंगा कैसे? बताओ आप,
तो कैसे दिखाऊंगा भाई? बहुत सिंपल है, वहां दूर जाऊंगा तो फील्ड की डेंसिटी दूर दूर कर दूंगा, और पास आऊंगा तो फील्ड की डेंसिटी पास पास कर दूंगा। हाँ ना, बोल यार, क्या बेटा बात क्लियर है? अब इसके बेसिस पे, पेन कॉपी छोड़ के सुनिएगा, इसके बेसिस पे आज मैं आपको बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन दूंगा बेटा, जिससे आपको आगे के लेक्चर्स गॉस लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर आप देखिए, आप देख पा रहे हैं यहां 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 यहां, क्या स्पेसिंग बिल्कुल एकदम इक्वल है या नहीं? एकदम इक्वल है या नहीं? है। मतलब राजा बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा यहां देखो, यहां क्या यहां पर भी स्पेसिंग सेम है? हाँ सर सेम है। तो क्या यहां पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? हाँ सर है। सर यूनिफॉर्म कैसे? अरे मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो 100% क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? हाँ सर। वैल्यू भी सर देखो, आप देख पा रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली ये यूनिफॉर्म लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है। पर आपसे मैं पूछूं, ये ए है और बी है, मुझे बताओ ए पर फील्ड ज्यादा कि बी पर? मतलब ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है या बी वाली? जल्दी बोलो। क्यों भैया? अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का यहां पर सर्कल बना लेता, अगर मान लो मैं यहां बना लेता, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही और यहां पर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही, या ये कह लो यहां डेंसिटी ज्यादा है यहां डेंसिटी कम है। वेरी गुड राजा, वेरी गुड। अब आप फील कर पा रहे हैं, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत अब नहीं पड़ रही है। कॉम्पैक्ट जहां ज्यादा होगी वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम या ज्यादा मिलेगी। बहुत बढ़िया। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो बताओ क्या होगा? ए बी और सी, इस वाले की बात कर रहा हूं, कम ऑन इस पे कॉमेंट कीजिए। ए बी और सी पर क्या ए वाली जो स्पेसिंग है क्या वैसी सी वाली भी स्पेसिंग है बिल्कुल सेम? देखिए आप, हाँ बिल्कुल सही है। पर जो बी है, बी में क्या स्पेसिंग ज्यादा आ गई जी? आई नहीं आई। तो यहां 1 मीटर स्क्वायर बना लो, यहां 1 मीटर स्क्वायर बना लो और यहां 1 मीटर स्क्वायर बना लो, तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि जो ए और, यहां तो सुनिएगा, ए की अगर हम बात करें वो सी के बराबर है और 100% बी से ज्यादा है। फील है सबको? वेरी गुड। तो जहां फटाफट समझ में आता है वहां हम टाइम वेस्ट थोड़ा कम करेंगे और कुछ जो टफ चीजें होंगी उस पर हम ज्यादा टाइम देंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये फील्ड का पैटर्न यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? ये बताओ, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? बताओ, नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड मेरे लाल, कम ऑन, वेरी गुड राजा, बहुत बढ़िया, अब तू समझने लगा है। गुड, नॉन यूनिफॉर्म बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। हाँ सर क्लियर है, बहुत क्लियर है। पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। देखिए क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है आपको? सर बिल्कुल दिख रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट बात, 6th प्रॉपर्टी आपको मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 से रिलेट करवाई। मॉड्यूल 5 आप बहुत दिन बाद पढ़ेंगे, पर आपको ये बात यहां पर याद रखनी होगी। अंकित नागर बेटा, ये सब फालतू कुछ भी मत लिखो, हम पढ़ने बैठे हैं तो हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि कोई जो भी लिखता है उसका फॉर्म नंबर एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो फालतू की ये बातें मेरे हिसाब से नहीं लिखनी चाहिए हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। भाई साहब पेन कॉपी छोड़ दो और अब आप मास्टर की बात सुनो, सिर्फ और सिर्फ मास्टर की बात सुनो, स्क्रीन पे देखें और मास्टर की बात सुने। कोई बात नहीं अंकित बेटा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म अ क्लोज लूप। भाई ये क्या बात हुई भैया, ये क्या बात हुई? आओ 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 फील करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अब एक्चुअली दो चैप्टर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक,
इसे हम कहेंगे, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारी बात क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। शब्द अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, सुनिएगा। लिखना बंद कर दीजिए भाइयों बहनों और सिर्फ मेरी बात को सुनिए। मैं कह रहा हूं हम जब मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में जाएंगे तो मॉड्यूल 4 के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसमें हम किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते सर, बिल्कुल बनाते, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, हाँ सर बनाते हैं, ये हमने बना ली। आप ध्यान से सुनिएगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला गया। क्यों कंजर्वेटिव? क्या आपको याद है ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है? हाँ जी, क्या आपको याद है ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है? वैसे ही मेरे बेटा, वैसे ही राजा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस आर कंजर्वेटिव, या ये कह लो चार्जेस से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होगी। चार्जेस से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होगी। क्यों? क्योंकि उस फील्ड को हम नाम बोल देंगे राजा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आ जाए या फील्ड ड्यू टू चार्जेस आ जाए राजा बेटा, तो आपको हमेशा याद रखना है दैट दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। अरे याद होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। कुछ याद है? ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, छोटी छोटी बातें जो हमें याद होनी चाहिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म अ क्लोज लूप, इसका मतलब बेटा मॉड्यूल नंबर 5 जब हम पढ़ेंगे ना, या जब आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, वहां पर एक टाइप की फील्ड आती है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा नया शब्द है, डरिए नहीं, सुनिए बस, डरिए नहीं, सुनिए बस। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राजा बेटा नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है। किसकी होती है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर। नॉन कंजर्वेटिव नेचर का मतलब राजा बेटा सुनिएगा, बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए और सिर्फ मेरी बात सुनिए, नॉन कंजर्वेटिव नेचर कौन सी भाई साहब? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होगी? आपको मॉड्यूल 5 में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको क्या बात ध्यान रखनी है? काम की बात याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती भाई साहब? क्यों नहीं बनाती भाई साहब? क्योंकि क्योंकि दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, तो सर कोई फील्ड लाइंस है क्या जो क्लोज लूप बना सकती है? हाँ बना सकती है, जिनका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्स, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड राजा बेटा कौन सी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। ये कौन सी बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। आप मुझे बताओ क्या यहां क्लोज लूप बनता हुआ दिख रहा है आपको? क्या ये क्लोज लूप है? क्या ये क्लोज लूप है? पहले बताओ ये क्लोज लूप है क्या? रिंग वाला क्लोज लूप है क्या? स्क्वायर वाला क्लोज लूप है क्या? पर क्या ये क्लोज लूप है? ये वाला बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। हा ना बोल यार, ये एरो इधर आएगा बेटा, एरो इधर आएगा, इसका गलत एरो ये। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस निकलेंगी, देखो आप। क्या ये क्लोज लूप है क्या? देखो इधर, ये क्लोज लूप है क्या? ये वाला नहीं है। तो हमें क्या बात याद रखनी अब? हमें इस प्रॉपर्टी में अब हमें क्या बात याद रखनी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। मैं आपको इसे पीछे वाला डायग्राम बनाता हूँ, एक और देखो, ये देखो भाइयों बहनों, इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्या Q1 पॉजिटिव था? हाँ। क्या Q2 नेगेटिव था? हाँ। पर आप देखिए ये जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है, क्या ये क्लोज लूप बना रहा है?
ये फील्ड ड्यू टू चार्जेस का जो पैटर्न है क्या कहीं क्लोज लूप बना रहा है? नहीं, नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चार्जेस के कारण डेवलप होती है दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख पा रहे होंगे क्लोज लूप बनाती है बेटा। तो लिखिए लाइन पढ़िए नीचे, स्टैटिक चार्जेस नो क्लोज लूप, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। बस ध्यान रखिए छोटी सी बात, आप अच्छे से फील कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है, पर कौन सी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहां पढ़ेंगे? कहां पढ़ेंगे? मॉड्यूल नंबर 5 में। पर अगर हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, जो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है बेटा वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, दे नेवर नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। बिल्कुल रटना है और बहुत जम के रटना है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ाई जाएगी, अभी आपको बस सिंपली सुनना है कि यार ऐसी फील्ड होती है और एक ऐसी फील्ड होती है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 7th नंबर की प्रॉपर्टी। मैं फिर से बोल रहा हूं, काम काम की बातें याद होनी चाहिए। चार्जेस के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस भी बोला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, पर ध्यान रखिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म अ क्लोज लूप। चलिए 7th नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, हम कंडक्टर में इसका यूज लेंगे, कंडक्टर में जम के यूज लेंगे, जम के। अभी आपको फील करा दूंगा क्या है ये प्रॉपर्टी, क्या है ये प्रॉपर्टी। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अब भैया ये शब्द क्या है सुनिए, अरे यार अब आप पीछे मत रहिए और आप आगे मेरी बात सुनिए। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, वैभव और सभी बच्चों, अभी बोला मैंने चार्जेस के कारण, जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कंजर्वेटिव होती है, वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। बाकी की जो फील्ड्स हैं जो क्लोज लूप बना रही हैं वो आपको दिख जाएंगी, क्वेश्चन में बोली जाएंगी कि ये क्लोज लूप है। जब क्लोज लूप है इसका मतलब आपको समझना होगा कि वो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, तो कौन है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको मॉड्यूल 5 में वो बात बहुत क्लियर कर दी जाएगी, तब आपको फील आएगा कि हाँ यार ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो हमने मॉड्यूल नंबर 4 में पढ़ी बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी। चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस विच डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बात याद रख लीजिए। आइए नई प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, वॉट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इज ऑलवेज जीरो, इज नहीं, इसके बाद आगे और लिखता हूं मैं, इज ऑलवेज जीरो, नई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इज जीरो और इसी कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। बिल्कुल नया शब्द है, डू नॉट गिव अप, मैं आपको पूरा फील करा के छोड़ूंगा। Hence electric field lines are not shown inside the metal. सर ये क्या हुआ सर, मजा नहीं आया, फील कराओ। रुक मेरे लाल, अब तू देख मास्टर देखो कैसे फील करा, ध्यान से सुनना। आपके पास एक मेटल था, क्या था जी? मेटल, ये लीजिए ये एक मेटल, हल्का सा ऐसे पीछे से है, ऐसे दिखते जाइए बस, ये एक मेटल का आपके पास एक बक्सा है, सॉलिड है। पेन कॉपी छोड़िए और ध्यान से सुनिए बिल्कुल अच्छे से। मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो क्या फ्रंट व्यू मुझे ऐसा ही दिखेगा? दिखेगा या नहीं दिखेगा पहले बताओ आप, दिखेगा या नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू? बहुत बढ़िया बेटा, मैंने इस मेटल को बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मतलब कहीं से मैंने इस मेटल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। पहले बताओ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लगाई नॉन यूनिफॉर्म? देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लगाई नॉन यूनिफॉर्म? देखो इधर, बहुत सिंपल यूनिफॉर्म। पेन कॉपी छोड़ के इस प्रॉपर्टी को समझिए, आपको आनंद आ जाएगा, आनंद, ऐसी जम के प्रॉपर्टी है। तो भैया जब मैंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको मैं ई एक्सटर्नल नाम दे रहा हूं,
या ई नॉट नाम दे रहा हूं. व्हाट इज ई नॉट? बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम ई एक्सटर्नल भी बोल दें. अब प्रॉपर्टी ये है, सुनिएगा क्या प्रॉपर्टी है. मुझे गर्व हो रहा है इस बात को कह के कि मेटल हैज दिस प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? अभी आपको दिख रहा होगा कि इस मेटल के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रखी हैं, पर यकीन मानिए द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो. सुनिएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो. कैसे सर? फील नहीं आई सर, कैसे? सुनिए बताता हूं, जम के फील कराता हूं कैसे जीरो होती है. आइए इसको समझते हैं ताकि कंडक्टर में आपको क्लियर हो जाएगा. बेटा मेरे, मुझे बता इस कंडक्टर के पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं? इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं? हैं? तू मुझे बता इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर लगेगा? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स किधर लगेगा, बस आप मुझे ये बता दो. ऑप्शन देता हूं लेफ्ट या राइट, ऑप्शन देता हूं लेफ्ट या राइट. कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या उन पर फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो उन पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट प्यारे बच्चों, वेरी गुड. तो कंडक्टर के जहां पर भी वो इलेक्ट्रॉन, जिस भी शेल में थे वो इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो, मूव करेंगे या नहीं करेंगे? लेफ्ट में. तो राजा बेटा यकीन मानिए, यहां पर इस कंडक्टर की इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा. होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा. पर कब होगा? पर कब होगा? जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे. यदि आप अभी लोहे की कुर्सी पर बैठे तो क्या आप को कोई करंट वरंट लगता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लगता. पर यदि आप लोहे की कुर्सी से दो तार कनेक्ट कर दें तो आपको उसके सरफेस पर करंट लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा. पेन कॉपी छोड़कर सुनो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, तो ध्यान से सुनिए. जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट लगाई तो साढ़े इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट में आके सरफेस से चिपक गए. चिपके या नहीं चिपके? क्या ये इससे आगे जा सकते? नहीं जा सकते, क्योंकि यहां के बाद मेटल की बाउंड्री खत्म हो रही है, मेटल का सरफेस खत्म हो रहा है, तो ये इससे आगे नहीं जा सकते. अब सोचो, जिन जिन जगहों से इलेक्ट्रॉन, जिन जिन जगहों से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, निकले हैं, सोचो क्या वहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स डेवलप हो गए होंगे? आयोन्स डेवलप हुए होंगे? होंगे नहीं होंगे? क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है ना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. अब आप मुझे बताओ उन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स पर फोर्स किधर लगेगा? कम ऑन, पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स पर फोर्स किधर लगेगा? कम ऑन सर, फील करा दो पॉजिटिव कैसे. अरे मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगा लेफ्ट में, तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां भी थे वहां से निकल गए और इस मेटल की सरफेस पर आ गए. आ गए, बहुत बढ़िया बात है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि भैया जहां से वो छूटे वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए. उन पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगा, जल्दी बोलो? वो उन जगहों पर फोर्स किधर लगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि वो पॉजिटिव है. तो बेटा ऐसा देखा गया, ये पॉजिटिव यहां इकट्ठे हो गए. हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए, हो गए. और यकीन मानिए मेरे राजा बेटा, यकीन मानिए राजा बेटा, दीज चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस. कौन से चार्जेस? इंड्यूस्ड चार्जेस. याद कर, ऐसे ही इंडक्शन प्रोसेस हमने इंडक्शन में भी पढ़ा था, बस वहां पे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमने एक पॉइंट चार्ज रखा था, पर यहां पर हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई. तो राजा बेटा यहां पर नेगेटिव इकट्ठा हो गया और यहां पॉजिटिव इकट्ठा हो गया. सुनते जाइए, आपको फील आएगी, मेरी गारंटी है. अब क्या हुआ जी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठा हुआ, इससे क्या हुआ? तो भैया इन्होंने, नेगेटिव वालों ने अपनी एक गैंग बना ली, इस पॉजिटिव वाले ने भी अपनी एक गैंग बना ली, और इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या हुई वो भी बता दूंगा अभी आपको मैं निकाल कर. गैंग बना के क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, गैंग बना के क्या हुआ, सुनिएगा, गैंग बना के क्या हुआ, क्या हुआ होगा आप बताओ,
फील करो क्या हुआ होगा। मेरे बेटा तेरा मेटल पहले जो था, सुनिएगा, तेरा मेटल पहले जो था वो न्यूट्रल था। हाँ सर न्यूट्रल था। मैंने इसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। हाँ सर लगाई। लगाने पे यहां चार्ज आ गया माइनस माइनस, यहां आ गया प्लस प्लस। आएगा या नहीं आएगा पहले बताओ, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मैं क्या बोल सकता हूं अगर यहां इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू है तो यहां इंड्यूस्ड चार्ज प्लस क्यू होगा? होगा या नहीं होगा? अरे बहुत डेप्थ वाली बात है, मतलब अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते, यकीन मानो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं मेटल आते ही। आपको फील आएगा यकीन मानो, बस आप पेशेंटली सुनो मेरी बात को, कि यार यहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और भाई साहब पहले से मेटल न्यूट्रल था तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। जब चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व तो पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है, देख ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। पर क्या मैं बोलूंगा कि जो तेरा मेटल है वो पोलराइज्ड हो गया? हो गया या नहीं हो गया? हो गया। अब पता है यहां होगी टग ऑफ वॉर। क्या होगी जी? टग ऑफ वॉर कह लो, लड़ाया कह लो, झमाझम, इतनी लड़ाई होगी कि ध्यान से सुनिएगा, इन काले वाले पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे बेटा। क्या डेवलप करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बताऊं कैसे? सोच तू मुझे बता, ये पूरे पॉजिटिव गैंग की इस काले वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? सोच सोच, इस पॉइंट पर, मैं पी पॉइंट की बात करूं तो इस पी पॉइंट पर पॉजिटिव वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव वाले की, उससे दूर, मतलब इधर। होगी या नहीं होगी? अब तू मुझे बता, इस नेगेटिव वाले चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस नेगेटिव वाले चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस नेगेटिव वाली गैंग की भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? क्या इधर ही होगी या नहीं होगी? क्या इधर ही होगी या नहीं होगी? होगी। मतलब आप मुझे बताओ, क्या मेटल ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या अपनी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी? करी या नहीं करी? अरे करी या नहीं करी? फील आया नहीं आया पहले आपको ये बताओ मेरे को, कैसे हुई? क्या बात क्लियर है? पॉजिटिव इधर और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। देखिए डायग्राम इन्होंने यहां बना रखा है। अब सोच, अगर मैं तुझे डायरेक्ट बता देता ये बात और ये सारी बातें नहीं बोलता तो तुझे फील नहीं आती। तो सोच, यहां ई इंड्यूस्ड डेवलप हो चुका है किसके अगेंस्ट? ई एक्सटर्नल के अगेंस्ट। एंड राजा बेटा फॉर्मूला दे रहा हूं, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में बोल रहा हूं, माइनस ई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। कह दे कि ये फॉर्मूला तूने पहले भी पढ़ा है, कह दे कि ये फॉर्मूला तूने पहले भी पढ़ा है। कहां पढ़ा था? इंड्यूस्ड चार्ज में। क्यों इंड्यूस्ड का फॉर्मूला? बोल मेरे लाल, बोल मेरे प्यारे बेटा, आज तुझे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी सारी पक्का। अब पता है, सोच, मेटल के लिए ईआर की वैल्यू बोल, फॉर मेटल ईआर की वैल्यू बोल। कम ऑन लड़को, ईआर की वैल्यू जीरो। वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिल जीत लिया, बहुत ही बढ़िया। मेटल के लिए जीरो होती है ईआर की वैल्यू। अरे ईआर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और मेटल के लिए उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है इंफिनिटी। आपसे बोलता हूं मैं, रिविजन करो, ये जितनी एनर्जी में वेस्ट कर रहा हूं ना, फिर ये बकवास है अगर आप नहीं पढ़कर आएंगे तो। तो बताइए, क्या मेटल के लिए ईआर की वैल्यू इंफिनिटी होगी? बेटा मना करना बहुत आसान होता है, सर नहीं पढ़ा तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, नीट में पेपर भी फिर ऐसा आएगा, फिर वो आपको भी यही बोलेगा, सुनो तुमने नहीं पढ़ा तो तुम नहीं कर पाओगे। कमॉन यार, सारी बातें पुरानी याद होंगी तो ही आपको चीजें रिलेट हो पाएंगी। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर ई इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालूं, फॉर्मूला रख रहा हूं फॉर मेटल, फॉर मेटल तो क्या वैल्यू आएगी बोलो? माइनस ई नॉट वन माइनस जीरो। मतलब क्या ई इंड्यूस्ड माइनस ई नॉट के बराबर आएगा या नहीं आएगा? पहले बताओ, आएगा या नहीं आएगा? मतलब अब आज के बाद हमें क्या याद होनी चाहिए?
यदि कोई कंडक्टर या मेटल, सुनिए, यदि कोई कंडक्टर या मेटल को यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने अंदर कुछ इस तरह से चार्ज इंड्यूस करता है, चार्ज इस तरह से इंड्यूस करता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इज जीरो बिकॉज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. That's why we do not show any electric field inside a metal. हाँ ना तो बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? Very good बेटा, very good. आएगी तुझे फील, बहुत बढ़िया. ये बात हुई मेटल की. और ऐसी कंडीशन को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहां से सुनिएगा, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, सुनिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं. बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बिजली कड़क के बारिश हो रही है. देखिए इधर स्क्रीन पर, ऊपर टॉप मोस्ट पर. आप किसी गांव में फंस गए, एक बिजली का खंभा है और एक कार है, ठीक है, बिजली कड़क रही है, बिजली जमके कड़क रही है, जमके. तो आप क्या कार से उतरकर खंबे पे जाके खंबे को चिपक जाओगे या कार में ही बैठे रहोगे? भाई ये सुंदर कन्या कार में बैठेगी या लैंप पोस्ट पे चिपक जाएगी? कार में ही. क्यों? मैं इसका कारण बताता हूं. कार के अंदर जो मेटल यूज होगा ना, जैसे ही बाहर से बिजली रूपी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कार पर गिरेगी, फील करना, बिजली रूपी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कार पर गिरेगी तो क्या होगा? वो सुंदर कन्या सेफ रहेगी. क्यों सेफ रहेगी? क्योंकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर इस तरह से आ जाएंगे, चार्जेस इस तरह से इंड्यूस हो जाएंगे कि इस मेटल की सरफेस को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा. और जब क्रॉस नहीं कर पाएगा तो दिस सुंदर कन्या विल बी सेफ. इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. पढ़ाऊंगा आपको आगे, जब कंडक्टर पे पढ़ाऊंगा. टच वच मत करना, बस फील आनी चाहिए आपको कि ऐसा होता है. क्या आपको बेटा यहां तक की बात क्लियर है? मेटल वाला प्रॉपर्टी क्लियर है? वेरी गुड. आगे सुनिए, अगर डाइलेक्ट्रिक हो तो क्या होगा? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक जी? डाइलेक्ट्रिक इज जनरली नॉन मेटल्स और इंसुलेटर्स. तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक इनेट जीरो होगा क्या? क्या इसके अंदर इनेट जीरो होगा क्या? नहीं, जीरो नहीं होगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसके लिए के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होती है. तो जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब er की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो बेटा e इंड्यूस देख आएगा तो सही पर कम आएगा, और e एक्सटर्नल देख वेक्टर में, मैंने ये बड़ा बता रखा है और ये छोटा बता रखा है, देख. तो देख, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर जीरो होगी क्या? नहीं होगी. किसके अंदर जीरो होगी? किसके अंदर जीरो होगी? मेटल के अंदर. एंड आई थिंक मैं आपको ये फील करा पाया हूं कि कैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. बहुत अच्छा. एक लास्ट आठवीं प्रॉपर्टी सुनिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू मेटालिक सरफेस. नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर. इसका रीजन हम अभी 4 या 5 लेक्चर बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल में. जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका रीजन दूंगा
बस आपको याद होनी चाहिए, या थोड़ा सा फील करा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे जाके एक फॉर्मूला आएगा, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, एक फॉर्मूला आएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। और आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा आर में डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये डेल्टा वी क्या है, डेल्टा आर क्या है, सर हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूं परेशान मत हो, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम पढ़ाएंगे आपको अभी। भाई साहब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है ये, मालिक चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई साहब मेटल की सरफेस पर हमेशा, मतलब मेटल में अगर डेल्टा मतलब होता है बेटा चेंज, ध्यान से सुनिए, जब भी मेटल आ गया, जब भी मेटल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा मेटल के परपेंडिकुलर होंगी। अरे अभी ये नहीं पढ़ना है यार, ये नहीं पढ़ना है, अब आप इसमें फंस गए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पोटेंशियल में, बस 5 मिनट सुन लो ना, सुन लो ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि मेटल के अंदर, मेटल के अंदर राजा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हां जी, तब आप देखिए इस मेटल के अंदर, देखो मैंने अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताई नहीं, इस डायग्राम को देखो बेटा, मैंने मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता रखी, हाँ बिल्कुल नहीं बता रखी, पर क्या मेटल के सरफेस पे तो होगी बाहर वाले, हाँ सर होगी, तो कैसे होगी, कैसे होगी, सुनिएगा कैसे होगी, हमेशा सरफेस के, हमेशा सरफेस के बोलिए परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर, अभी फील कराता हूं, फील कराता हूं, सुन मेरी बात सुन, कायदे से ये कौन सा चार्ज है, देख पॉजिटिव चार्ज, सर पॉजिटिव चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड कायदे से आपने यू बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, अरे बताई थी नहीं बताई थी यार, बिल्कुल बताई थी, और ऐसी बताई थी, पर सर यहां जब आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, जब आपने सर यहां, सर जब आपने यहां पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्यों आ रही है, ये ऐसी क्यों आ रही है सर, ये ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि भाई साहब रस्ते में कौन है, मेटल, रस्ते में कौन है, मेटल, और मेरे लाल मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो उसके सरफेस पे हमेशा, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगी, हाँ ना बोलो, परपेंडिकुलर ही होंगी, देखो निकल भी परपेंडिकुलर नहीं, देखो आप, अच्छा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या नहीं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर है या नहीं, सही बात बताऊं, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हैं, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हैं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वेरी गुड वेरी गुड, ये है एक्चुअल बात। अरे बेटा यहां पर है ई नॉट भी है, ई इंड्यूस्ड भी है, पर उसने एक दूसरे को कैंसिल कर रखा है, क्या कर रखा है राजा बेटा, कैंसिल, क्या बेटा बात क्लियर है, कैंसिल कर रखा, वेरी गुड, हमें क्या बात याद रखनी है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली निकलती है या परपेंडिकुलरली आती है। इस पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ये क्वेश्चन बताओ आप, विच ऑफ द फील्ड लाइन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग मतलब मेटल का स्फेयर है, बताओ जी, बताओ जी, बताओ, कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं यार जैसे इस साल बार भी कैंसिल हुई, अगली बार भी मोदी जी कैंसिल कर दे तो मजा ही आ जाएगा, है ना, बहुत बच्चों के यस में जवाब आ रहे हैं कि हाँ सर कैंसिल होनी चाहिए, हाँ अभी से ट्वीट कर दो हमारी भी कैंसिल कर दो, उसमें क्या बात है, फाइनली कोटा आज से अनलॉक होना शुरू हो गया है बच्चों, अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं, तो इट इज गुड फॉर अस, हम ऑफलाइन जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा चमक कर पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ इसका आंसर दे दीजिए, कौन सी फील्ड लाइन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, कम ऑन, फर्स्ट फर्स्ट, बिल्कुल नहीं, सरफेस ये रहा और फील्ड लाइन ऐसी है, ये एंगल 90 है क्या,
नो सेकंड सेकंड सरफेस ये रहा और ये एंगल 90 है क्या पहले बताओ सेकंड फर्स्ट भी कैंसिल सेकंड भी कैंसिल थर्ड थर्ड सरफेस ये रहा और फील्ड लाइन जैसी है क्या ये है क्या नहीं फोर्थ सरफेस ये रहा और फील्ड लाइन जैसी है तो ये एंगल 90 बन गया या नहीं बन गया सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेंगी बहुत बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तो आंसर बोलिए फोर्थ है या नहीं फोर्थ ओके गाइस 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते हैं फिर कलम शुरू करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या शुरू करेंगे लक्स नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट यहां से मतलब अब आपको 13 तारीख तक 13 की तक मैं बात करूं तो बेटा गॉस लॉ तक पूछा जाएगा तो वो गॉस लॉ की शुरुआत हम करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स राजा बेटा हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ये मान लो आधा पौना चैप्टर हो चुका है अब पोटेंशियल और डाइपोल बचा है अपना और ये गॉस लॉ पढ़ना है बेटा मतलब 3-4 टॉपिक बेसिकली बचे हैं इसमें तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कौन नापता है और क्या जैसे स्पीड को मेजर करने वाला स्पीडोमीटर होता है वैसे राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के काउंट को मेजर करने वाली प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट मेजर्स काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग अ सरफेस और एरिया इसके बारे में थोड़ा सा आप घर पे पढ़कर आए अच्छे से पढ़ें व्हाट इज काउंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताएगा कि भैया क्या बताएगा जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताएगा कि भैया कितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रही हैं बेटा सरफेस जरूरी नहीं हमेशा मेटल की हो वो किसी की भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या है सिंपल वेव्स हैं रेज हैं तो ये तो किसी को भी क्रॉस कर सकती हैं तो ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस ए सरफेस और एरिया अब जैसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10-15 मिनट का ही ब्रेक होता है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं हम कल इसको जम कर पढ़ेंगे मेरा आप सभी से निवेदन है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये सब राजा बेटा पढ़कर क्या बेटा बात क्लियर है गॉड ब्लेस यू बाय बाय टेक केयर